हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टीम टेबल का यूज कैसे करना है और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टीम टेबल जो होती है उसमें वो आपके पास अवेलेबल होगी आरएस कुर्मी की स्टीम टेबल है। अभी इस वीडियो के माध्यम से स्टीम टेबल तो आपके पास फिजिकली अवेलेबल होगी नहीं, तो इसलिए मैंने जो ऐप आप लोगों को सेंड किया हुआ है आप उस ऐप को इंस्टॉल करें और फिर उसके थ्रू आपको स्टीम टेबल पे वैल्यूज़ आसानी से मिल जाएंगी ऐप में। जितने प्रेशर और जितने टेम्परेचर पे आपको वैल्यू चाहिए होगी आपको सिंपली वो प्रेशर एंटर करना है, आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कैलकुलेट पर क्लिक करोगे आप तो आपको वेपर पे क्लिक करोगे तो वेपर के फॉर्म में इंथैल्पी की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। और आप अगर उसे बार में कैलकुलेट करना चाहें तो बार में वैल्यू मिल जाएगी प्रेशर की। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में देखोगे आप कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, सपोज आपके पास ये एक न्यूमेरिकल है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है कि कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 8 bar एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.8, हाउ मच हीट रिक्वायर टू रेज 2 kg ऑफ दिस स्टीम फ्रॉम वाटर एट 10°C एट 20°C। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप जब इस न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो इसमें बात हो रही है कि जो स्टीम है उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन भी है। तो मैंने जब कल आपको बताया था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन में ये कहने का मतलब ये है कि आपकी स्टीम क्या है, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है। तो इसमें 0.8 का मतलब है कि इसमें 80% इसमें क्या है, मॉइस्चर स्टीम। ठीक है, तो 80% ये कह सकते हो आप वेट है। ठीक है, तो 0.8 क्या हो गया इसका, x की वैल्यू होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, मतलब 80% 0.8 का मतलब है 80% ये क्या है, ड्राई है और 20% इसमें मॉइस्चर है। ठीक है, अगर 1 हो गया तो इसका मतलब कंप्लीटली क्या है, स्टीम है, देयर इज नो वेपर पार्टिकल, देयर इज नो वाटर ड्रॉपलेट, देयर इज नो मॉइस्चर। ठीक है, 80% का मतलब ये था। तो 0.8 मतलब इसमें 80% ये स्टीम है, 20% इसमें क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, अब आप जब स्टीम टेबल का यूज करोगे तो आपको देखना है कि स्टीम की कंडीशन कैसी है न्यूमेरिकल में। तो इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात हो रही है तो मतलब स्टीम अभी सैचुरेटेड है, वेट स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको वैल्यू दे रखी है प्रेशर की, तो 8 bar प्रेशर दे रखा है। अगर आप स्टीम टेबल में जाओगे तो वहाँ पे आप 8 bar पे जाओगे सेचुरेशन में, जो प्रेशर टेबल है उसमें जाओगे तो 8 bar पे आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दोगे किसकी, HF और HFG की, उसमें ऑलरेडी होंगी वो वैल्यू। इस वाले जो ऐप में आप 8 एंटर करोगे प्रेशर 8 bar तो आपको ये वैल्यू मिलाएगी, HF इंथैल्पी ऑफ फ्लूड मतलब वेपर फॉर्म में इंथैल्पी कितनी है, 721.018 किलो जूल पर केजी, इस 8 bar प्रेशर पे इंथैल्पी की वैल्यू है, ये स्टीम टेबल से मिलेगी आपको। और HFG की भी, क्योंकि दोनों वैल्यूज देखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि स्टीम कंप्लीटली क्या है, वेट है, तो वेट स्टीम में के लिए HF और HFG दोनों वैल्यू देखनी पड़ती है, दोनों एक साथ होंगी एक ही कॉलम में, एक ही टेबल, एक ही रो में। और दूसरी HFG की वैल्यू है 2768.302 किलो जूल पर केजी। ये दो वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले से क्या करनी है, आपको सॉरी स्टीम टेबल से नोट करनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो ऐप आपको सेंड किया हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि 8 bar पे ये आपकी HG की वैल्यू है 2768.302 kJ/kg। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, वेपर, तो आपको वेपर पर क्लिक करके यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये वेपर पर क्लिक किया और कैलकुलेट करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, इसके करस्पॉन्ड एच एफ की वैल्यू देखनी हो तो इसी प्रेशर पे आपको एच तब लिक्विड फॉर्म में देखना है, लिक्विड पर क्लिक करना है, कैलकुलेट करना है 8 बार प्रेशर पे, तो ये लगभग इंथैल्पी एच एफ की वैल्यू ये है 271.018 किलो जूल पर के। ये दो वैल्यू आपको चाहिए, ये आपने स्टीम टेबल से नोट कर ली। ये ऐप में थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, अलग अलग ऐप में वैल्यूज अलग अलग हैं, किसी की मेगा पास्कल में है, किसी की बार में है, तो लेकिन कॉलेज में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाएगा जब आपके पास स्टीम टेबल होगी। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये दो वैल्यू आपने स्टीम टेबल से नोट कर ली। अब इसके बाद आप न्यूमेरिकल पे चलते हैं, तो सबसे पहले हमने ये दोनों वैल्यू लिखी, अब हमारे पास इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है हमें 8 बार प्रेशर। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ठीक है, एक्स एच एफ जी, तो दोनों वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 0.8 है एच एफ की, और एच एफ जी की वैल्यू लिखो न्यूमेरिकल को, ये न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करके, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपको एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो ये मल्टीप्लाई करके आया 2935.65 किलो जूल, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है इंथैल्पी की। लेकिन ये जो इंथैल्पी की वैल्यू आई है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वाटर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे था वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और जिस टेम्परेचर तक हमें रेज करना है उस टेम्परेचर तक की वैल्यू आई। ठीक है, आई बात समझ में। और ये 1 kg के लिए, और हमें 2 kg के लिए बात करना है कि 2 kg के लिए बताओ हमें, 2 kg ऑफ दिस स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री। अगर ये कह रहा कि यही जो कंडीशन देखी, अगर ये 2 kg के लिए हो और वाटर की कंडीशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, इंथैल्पी मतलब हीट। तो यहाँ तक तो अगर सिर्फ सिंपल लिखा रहता 1 kg के लिए निकालो, कोई लास्ट वाली लाइन आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल में, अगर ये नहीं दी होती हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, यहाँ से आगे नहीं दिया होता तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, लेकिन आगे दिया हुआ हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू रेज 2 kg ऑफ दिस स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी जो वैल्यू निकली है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर रहा होगा उसके लिए निकली है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg एट ए प्रेशर ऑफ 8 bar, जब डायनेस फ्रैक्शन कितना है इसका 0.8। अब देखो अगर वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसमें ऑलरेडी कुछ हीट होगी, वो हीट कितनी होगी, वो हीट होगी आपकी लगभग, क्योंकि आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कितनी होती है, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये ऑलरेडी होती है वाटर में। अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 84 किलो जूल आ गई, ये ऑलरेडी उसमें है जब वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऑलरेडी उसमें है तो निकल के कितनी आई थी 2935 पॉइंट, ऐसे इसको माइनस कर दो तो बची हुई हीट क्या होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए होगी, वो ये आ गई 2851.65 किलो जूल। ठीक है, ये निकल के आ गई, ये 1 kg के लिए, पर केजी के लिए हमें कितने के लिए बात कर रहा है, 2 kg के लिए, तो 2 kg के लिए चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगी 5703.31 किलो जूल। तो इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमने देखा क्या कि कैसे स्टीम टेबल से हम एंथैल्पी और टेम्परेचर वगैरह की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ने दिया हो न्यूमेरिकल में, तो इसका मतलब है कि स्टीम क्या है आपकी, कंप्लीटली सुपर हीटेड है, मतलब देयर इज नो मॉइस्चर। कहने का मतलब है अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो आपको तब एच एफ नहीं देखना है स्टीम टेबल, डायरेक्ट क्या देखना है एच एफ जी। तो आपका फिर एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाएगा एच इजिकल टू एच एफ जी हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा एच इजिकल टू एच एफ जी, एच एफ प्लस एक्स हट जाएगा उसमें से। ठीक है, सिर्फ एच एफ जी, डायरेक्ट एंथैल्पी हो जाएगी एच एफ जी बिकॉज देयर इज नो मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, थैंक यू, आप आई होप आप लोगों को इस वे में ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोगों को आप स्टीम टेबल से ही समझाया जाएगा, जो आपके कॉलेज खुलने के बाद ही आप लोगों को अवेलेबल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।